अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम 5 क्लास का काउंटडाउन देखते हैं। डे क्या है? 17, डेफिनेशन ऑफ द काइंड्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स विद डायग्राम। ठीक है, आप लोगों ने एंगल्स के लिहाज से क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम्स भी बनानी है, तो आप लोग मतलब इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बनाई हुई है राइट एंगल ट्राइंगल विद डायग्राम, तो आप लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगी, जो स्ट्रेट लाइन मतलब इन राइट एंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, तो एक एंगल क्या होता है आपके पास 90 डिग्री का होता है, जो स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री की, ये डायग्राम बन गई है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो आपको इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तमाम एंगल्स का होते हैं 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चे, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री से लेस देन, क्योंकि इस साइड पे आओ, तो ये वाला भी इस साइड पे, तो ये भी 90 डिग्री से लेस देन है। ठीक है, तो आपने इस तरह के डायग्राम को बस शो कर देना है। ठीक है, आगे है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल विद डायग्राम, तो इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री, तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक एंगल क्या होगा आपको 90 डिग्री से ज़्यादा, ये जो एंगल इस जगह से ना सीधी साइड से अगर इस साइड पर जाए तो लेसर है, इस साइड पर जाए तो ग्रेटर है। एंड द अदर टू एंगल्स आर एक्यूट, तो बाकी दो एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा बाकी एंगल, ये देखें ये 90 डिग्री से कम का है। ठीक है बच्चे, आपके पास ये आज का काम था, आपने इसको केयरफुली कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।